सबसे बढ़िया अभिनेता को अपना प्रधानमंत्री इससे अच्छा तो आप अमिताभ बच्चन को ही बना देते। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा, राहुल गांधी के बाद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का सबसे हमलावर चेहरा, जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं थी। ये देश आपको पहचान रहा है, आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपके झूठों से उब चुका है। काफी दिनों तक खुद को अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखने के बाद प्रियंका जब करीब साल भर पहले सियासत में सक्रिय हुई तो बीजेपी के खिलाफ सबसे हमलावर नेताओं में एक बन गई हैं। आवाज उठाने की शक्ति, वोट देने की शक्ति, प्रदर्शन करने की शक्ति, चाहे देश के आर्थिक हालात हो या फिर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का दर्द, प्रियंका ने हर मोर्चे पर तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोला। और दूसरी राजनीति आपने यहाँ पिछले 5 सालों से, लॉकडाउन के दौरान यूपी के मजदूरों को पहुंचाने के लिए बस भेजने की उनकी पेशकश को लेकर पिछले दिनों अच्छा खासा सियासी हंगामा मचा था। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इनपे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस के लिए नतीजे तो अनुकूल नहीं रहे, लेकिन निजी तौर पर प्रियंका अपना कद बढ़ाने में कामयाब रही। उनकी छवि, बोलने के अंदाज, आम जनता से सीधे संवाद के तरीके की वजह से जनता के बीच उनका खासा क्रेज है। वो शक्ति होती है कि जनता की बात सुनने की शक्ति। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था तो वो दिल्ली से यूपी तक सक्रिय रहीं। उसी दौरान स्कूटी पर बैठकर पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी से मिलने जाना काफी चर्चित हुआ था। दारापुरी को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया था। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नियत से देश का संविधान खतरे में है। इस अंदाज की वजह से प्रियंका राहुल गांधी से थोड़ी अलग हैं। वो जनता से जल्दी घुल मिल जाती हैं। यूपी में उनकी खासी सक्रियता है। वो यूपी में बीजेपी के साथ दूसरे विपक्षी दलों को भी निशाना बनाने में नहीं चूकती। प्रियंका के इन्हीं तेवरों से बीजेपी के साथ बीएसपी भी उन पर हमलावर है। यही वजह है कि जब प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया तो उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।